हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम एक मार्क बेसिस और कंपैरिजन बेसिस एजुकेशन सिस्टम बन गया है। आप सोचिए, अगर हमारा देश दूसरी देश के कंपैरिजन में ज़्यादा जॉबलेस है, क्यों है? इसके लिए क्यों कौन दाई है? इसके लिए पेरेंट्स दाई है, इसके लिए टीचर्स दाई है, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम दाई है और खुद स्टूडेंट दाई है। कैसे? मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को एंटर देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने और आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के साथ कैसे क्राइम करता है। फर्स्ट, आप लोगों को पता है, जब भी आजकल का बच्चा 2 इयर्स 3 इयर्स का बन जाता है, उनको LKG UKG में भेजा जाता है। और जब हम कोई पेरेंट्स सेलिब्रेशन में गैदरिंग होते हैं, तो वहाँ पर बातचीत होता रहता है कि मेरा बेटा ABCD सीख गया है, मेरा बेटा 1 2 3 4 सीख गया है। लेकिन रियल में आप सोचिए, खुद को पूछिए कि उन्होंने सही में सीखा है? 3 इयर्स का बच्चा है, ABCD सीख गया है, वो सीखा नहीं है, वो याद रखता है। अगर वहाँ पे आप लोग कंपैरिजन करते हो स्टूडेंट स्टूडेंट पेरेंट्स पेरेंट्स के बीच में, तो ये वन टाइप ऑफ क्राइम हो गया। 3 साल के बच्चे में आप डाल रहे हो कि तुम्हें याद रख के ABCD रखना है, 1 2 3 4 पर रखना है और मार्क लाना है। आप लोग को सबको पता है, जब हम 10th क्लास में जाते हैं, हमें बताया जाता है कि 10th में टॉपर बन जाओ, तुम्हारा करियर ब्राइट बन जाए। मैं खुद एक टॉपर हूँ, रियल में कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं बनता। जब 10th पास किए, प्लस टू में तुम टॉपर बन जाओ, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग में जाओ, उसके बाद मेडिकल में जाओ, उसके बाद फार्मासिस्ट में जाओ, जिस लाइन में जाओ अच्छे से मार्क ले आओ, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। अगर हमने स्टूडेंट भी गधा जैसा मार्क ले आता है, ब्राइट फ्यूचर बनता है क्या? नहीं बन पाता। अगर ब्राइट फ्यूचर बनता तो हमारा कंट्री में जॉबलेस ज़्यादा क्यों है दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में? इसीलिए कि हमें बताया जाता है तुम्हें मार्क लाना है, तुम्हें जॉब करना है, एजुकेशन खत्म करने के बाद जॉब करना है, ना कि ब्राइट फ्यूचर करना है, जॉब देखना है, दूसरी कंपनी में जॉब करना है। अगर हमें सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता, अगर एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी किया जाता, तो हमें अब ये बताया जाता है कि तुम जॉब नहीं करना है, तुम्हें जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो सोचो, अगर हमारा कंट्री में आज जॉबलेस होता, ये COVID-19 के वजह से जैसे चल रहा है अभी सिचुएशन, बहुत सारे जॉबलेस हो रहे, इसे सिचुएशन नहीं आता। COVID-19 सारे कंट्री में फैला है, लेकिन जॉबलेस मैक्सिमम हमारा कंट्री में हो रहा है। अब सोचो, US में देखो, रूस में देखो, उनका आबादी 30 करोड़ है और हमारा कंट्री का आबादी है 130 करोड़। जैसे बोलते हैं ना, लाखों चींटी और एक हाथी, वही है, हम लाखों चींटी है। इसके लिए हम दाई है, स्टूडेंट दाई है, एजुकेशन सिस्टम दाई है, पेरेंट्स दाई है। और एक हाथी होता है, एक US हो गया, एक रूस हो गया, उनका एजुकेशन सिस्टम ये है कि उनको एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। जब भी उनका पेरेंट्स गैदरिंग होते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करते, मेरा बेटा ABCD सीख गया या याद रख लिया। वो इनोवेशन के ऊपर बात करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, कंपैरिजन नहीं किया जाता है। उनका बच्चे के साथ, उनका स्टूडेंट के साथ क्राइम नहीं किया जाता, ये मेजर क्राइम है, उनके साथ क्राइम नहीं होता। तो वो इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं, तो एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर बनते हैं और वो जॉब ढूंढते नहीं है, जॉब प्रोवाइड करते, ताकि दूसरी कंट्री में सारे स्टूडेंट्स ब्राइट फ्यूचर जो बोलते हैं, मार्क लेने के बाद दूसरी कंट्री जाके वहाँ पे उनको जॉब करना पड़ता है। तो यही है आज का एजुकेशन सिस्टम। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह कर रहे हो गया वो छोड़ दीजिए। अगर आप स्टूडेंट से या पेरेंट्स से या एजुकेशन में कहाँ पे आप काम करते हो, पढ़ाते रहते हो, टीचर है, तो ये एजुकेशन सिस्टम कुछ एक साथ तो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी किसी के साथ चेंज हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे को ये मत सिखाओ तुम्हें मार्क लाना है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करवाओ, इनोवेशन के आइडिया दो, जो जिसमें जाते हैं जाना चाहते हैं उनको उसी लाइन में करियर करने दो। जैसे 3 इयर्स में अमेरिका ने बोला है, काबिल बनो, सक्सेस अपने पीछे भागेगा, मनी अपने पीछे पीछे आएगा। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में बोला जाता है तुम सक्सेस के पीछे भागो, काबिल की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए और स्टूडेंट के साथ क्राइम करना बंद कीजिए। और स्टूडेंट, आप लोगों को ये मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि आप ये जो ओल्ड ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को ब्रेक कीजिए और नया इनोवेशन के ऊपर ही पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।